सभी भाइयों को नमस्कार, सबका स्वागत करते हैं जी आपके अपने चैनल साहिल डेयरी फार्म पर। दोस्तों, वीडियोस के माध्यम से रोजाना आप लोगों को एक से काफ़ी शानदार मुर्रा पशुधन दिखाते आ रहे हैं जी। और आज उसी प्रयास को बढ़ाते हुए आज की जो हमारी कवरेज है जी, मैं बताना चाहूँगा यादव डेयरी फार्म से। और यादव डेयरी फार्म से लेके आ रहे हैं जी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की मुर्रा झोटी। और जैसे कि हम सब जानते हैं जी, काफ़ी ज़्यादा कवरेज हमने यहाँ से की है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मुर्रा पशुधन है वो हमें देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की जो झोटी है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी जी। और सबसे अच्छी बात लगती है कि दूध तैयार का पशुधन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जी। तो एड्रेस आप लोगों को बताना चाहूँगा जी, गांव लगता है जी भाई साहब का खेड़ा थरू, डिस्ट्रिक्ट लगता है जी जज्जर और हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो मिलवाते हैं जी मंजित भाई से और पशुधन की जो डिटेल्स है वो मंजित भाई से लेते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार साहिल भाई, सबसे पहले तो आपका बड़ा स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं जो आप आए, और जितने भी पशु प्रेमी भाई देख रहे हैं सभी को मेरी तरफ से राम राम। राम राम जी। तो आज जो झोटी हमारे से दिखा रहे हैं भाई साहब, इसकी डिटेल्स जानना चाहेंगे, कौन से लैक्टेशन में है? साहिल भाई सेकंड में है अब की बार। अच्छा जी। और बाकी तो आपको पता है, लोग छह दांत को चार दांत को पहले सुए भी कह देते हैं। बिल्कुल जी, बाकी तो सबको पता है जी, एक आध दांत काफी पशु ऐसे होते हैं लखो भी लेते हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज जब ऐसे थन वगैरह साइज के हिसाब से देखें तो ब्याज दूसरा ही बताया जिस भाई से लिया है। ठीक है जी। और दूध भी अच्छे दूध पे ली थी। ठीक है। दो दिन दाना बिल्कुल नहीं खाया आके। अच्छा जी। देसी जगह पे थी, थोड़ा कुट्टा मान की थी। हाँ हाँ। तो उसके कारण थोड़ी सेट सी नहीं हुई। ठीक है जी। तो अपना प्रयास ये था कि दूध लगभग ये कह के दें कि आज इतना तैयार है, ये नहीं कि भाई देगी। ठीक है जी। देने वाले तो बहुत सारे भाई हैं। तो अभी दूध है झोटी में 18 तैयारी का, 18 किलो दूध मौके पे 19 तैयारी का तैयार है। लेकिन नॉर्मल जमींदार कुट्टे की एक बार अभी आई, अगले कुट्टे जाएगी तो और अच्छी सेट हो जाएगी। अच्छा जी। तो अभी 18 दूध तैयार है, लगभग मान के चलो उम्मीद है 2-1 किलो दूध कर देगी। अच्छा जी। के करीब उस वहाँ 19 था, 20 की उम्मीद अपनी पक्की है जो दे देगी। ठीक है जी। और ब्रीड करेक्टर की बात करें, हाँ जी, सींग से लेके टेल तक कोई माइनस अगर है तो मैं तो ये कहूंगा सींग बनवा देता और भी ज्यादा छोटा सुंदर दिखाई देता। बिल्कुल जी। लेकिन जो है वो है। ठीक है जी। आपा ने अपने यहाँ कटड़ा तैयार किया है उसके सींग बनवाए। हाँ जी। क्योंकि सींग बनवा के अगले को पशु दे देते हैं सुंदरता दिखा के। हाँ जी। बहुत सारे भाई हैं कटिंग करते हैं, लेकिन जो है वो सादगी है, वो महीने 2 महीने 6 महीने बाद अगले को दिखनी है। ठीक है जी। बाकी कलर मार का भाई स्वभाव की लेडीज ने रखी थी, इसलिए थोड़ा टाइम ले लिया क्योंकि लेडीज भी घरों में संभालती हैं। हाँ जी। तो आपको पता है लेडीज को मानने लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। बाकी ना आपा ने इसकी भाई फेंट लगवा के देखी है, मुगम अपना दूध बिकता है। हाँ जी। एक बार खोल ले भाई, चला दे। तो बात करेंगे जी इसके जो साइज की जी, काफी फुल बाय फुल जो साइज साइज से दिखा दे, थन का जो साइज है ना। बिल्कुल जी। ये साइज नहीं मिलेगा कोई, मान लो अपने अपने सबको अच्छे लगते हैं, मेरा पशु अब मेरे को लग रहा है और जो और भाई हैं उनको इनका अपना पशु सबको लगता है अच्छा। बिल्कुल जी। तो दूसरे लैक्टेशन की जो झोटी है जी आप देख पा रहे हैं जी, और 18 जो लीटर जो दूध है जी इसमें मौके पे तैयार है जी। बात करेंगे जी साइज ना, तो मैं ये तो कहता नहीं भाई, भगवान रूस जाए तो भली बात, मैं भाई मानू नहीं। बाकी 19 भी दिखा देगी क्योंकि सेट होती जा रही है दिन प्रतिदिन। अच्छा जी। ठीक है। तो अभी कितने दिन की ब्याई हुई भाई? साहिल भाई 20-22 दिन की ब्याई हुई होगी। ठीक है जी। तो वही ब्यात वाली भी बात है, कौन सा पास बैठे थे। हाँ जी हाँ जी। लेकिन नीचे की कोई भाई आल हरियाणा, मान लो कई बार अपने फोन मेरे लगभग फोन पे ही बिक जाते हैं पशु, तो कोई भाई थन को हाथ ना भी लगाए ना, नीचे से भैंस को फैल कर दे, भैंस वहीं रस्सा डाल के गले पे छोड़ दे, वहां अंगूठे जैसी चुवाई तो शांत, बस ये दाने पे नहीं लगी। क्योंकि कई पशु सोचते रहते हैं कि भाई पिछला मालिक है वो आएगा, लेकिन दिमाग सेट करना पड़ता है, अब पूरी सेट है, कभी भी कोई भाई आए चुवाई करे कुछ। ये मौसम ऐसा है जी, कोई भाई अगर अब पशु लेता है तो गाड़ी में पशु चढ़ाए तो पर्दा जरूर लगवाए, चाहे दिन का टाइम हो। ये नहीं पशु बेच दिया तो लेने वाले भी अपने ही भाई हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो अभी 18 लीटर जो दूध है जी मौके पे तैयार है, तो अगाड़ी कितने निकाल रही है भाई मंजिल? साहिल भाई अगाड़ी 2.5 किलो की मानो आप, 2.5 किलो की अगाड़ी है। ठीक है जी। और तो ये नहीं टाइम वगैरह लगा हुआ है, बिल्कुल एग्जिट टाइम है, 10 मिनट बाकी है अभी दूध के टाइम में। अच्छा जी। ठीक है। से दिखा दो
जेन्युइन थन है, कोई एक थन छोटा बड़ा नहीं, कोई बिल्कुल जी लेवा टेढ़ा मेढ़ा नहीं, बिल्कुल स्टील जैसा खिंचा हुआ। बिल्कुल जी, तो ये देख सकते हैं जी मुट्ठी वाला जो थन है जी बोला जाता है जी, वो आप देख पा रहे हैं। और बात करते हैं जी इसकी चुआई वगैरह की कैसी है भाई मंजिल? एक नंबर है, कोई भाई थन भी ना पकड़े, अगर नीचे से कच्ची हो भैंस, छर्रा हो, दार फटती हो, टाइट चुआई हो, अपा जुम्मेवार है, बाकी तो बजा के लेने की चीज है जी। टोकनी की तरह साथ में, और मेल काफ है जी, साथ में मेल काफ है, ठीक है जी। टोकनी की तरह भाई बजाने की चीज अपनी, बजा के लो दो बार चार बार देखो, ठीक है। कल को ये काली पशु है भाई, ये जिसको फबता है उसको फबने का नहीं, जिसको लुड़काने लग जाए उसको लुड़काने का अंत नहीं, बिल्कुल। बाकी जो मुर्रा का जेन्युइन सींग होना चाहिए, बिल्कुल कन्नीदार दानेदार जो भी भाई बोलते हैं वही है। मैं तो एक चीज मानता हूँ, दानेदार सींग का क्या करें अगर दूध ही 10 किलो देती हो, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और कुड़कुड़े के बहाने भागेगा, बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। भाई जब पशु हमारे यहाँ के पशु इंस्पेक्शन भी बनाते हैं, बीमार भी होते हैं, तो ये नहीं कि आम जमींदार की 100 ग्राम घी दे दिया फिर 100 ग्राम घी दे दिया बोला इंस्पेक्शन ठीक हो जाएगा। 3,000-4,000-2,000 का ट्रीटमेंट करवा के देते हैं, तब ये लेने वाले भाई घर जाके है ना सीमन रखवाते हैं, ये जाते ही क्या बन तभी ठहरती है व्यापारी की। ओरिजिनल व्यापारी जो अपनी माँ ने पैदा किया ना, वो सबसे पहला काम है, पशु को बुखार भी होगा ना तो डॉक्टर को दिखाएगा, बिल्कुल, एक घंटे पहले चढ़ाओ, बिल्कुल। ये नहीं कि गोली दे के बस कंट्रोल कर लिया। और जो ये दूध के रिकॉर्ड बनाते हैं ना भाई बड़े बड़े, इन भाइयों का तो भैंसों का ब्लड का सैंपल भी डेली जाता है, चुवाई से पहले तीन बार जाँच करवाते हैं, बिल्कुल। खून में कैल्शियम की कमी हो, फॉस्फोरस की हो, या और कोई किसी चीज की मान लो प्रोटीन मल्टीविटामिन जो भी जरूरत होती है वो ब्लड टेस्ट के अनुसार देते हैं, ठीक है। ड्राई पे भी दूध के सैंपल भरवा के थनों के टेस्ट करवा के ड्राई करते हैं, बिल्कुल। कोई भाई ये सोचता होगा मैं 1.5-2 लाख की ले जाके और भाई धरती हिला दूंगा ना, जितने की भैंस खरीदते हैं ना ये कॉमेंट करने वाले उतने के तो अच्छी अच्छी भैंसों के टेस्ट हो जाते हैं साल में, ठीक है जी, ठीक है। तो भाई टोकनी की तरह बजा के लो, देखो पैसे गिन के लेता है, कोई 500 का फटा हुआ ना उसको कोई नहीं लेता, वापिस कर देता, बिल्कुल जी। तो बजा के लो, चाहे मेरे से ही शुरुआत करो, बिल्कुल जी। ये नहीं मैं जिसकी वीडियो बनाऊं, कोई भाई कई भाइयों को ये लगता है हमें कह रहा है, क्यों? क्योंकि पुराने टाइम के जमे हुए थे, अभी देखो नया बंदा कोई आएगा, किसी का हुनर किसी की कारीगरी किसी की नजर तो भाई थोड़ा फर्क आता है, उनको तकलीफ होती है। तो मैं उन भाइयों को भी ये कहूंगा चाहे आप मेरे से लो मैं आपसे लो, भाई टोकनी की तरह बजा के लेंगे, ठीक है। और आज से आपा ने भी एक रूल चालू कर दिया, अब तक विश्वास पे पशु लेते थे, अगर 2.5-3 लाख का पशु लेंगे ना भाई तो एक टाइम खाली करेंगे दूसरे टाइम देखने जाएंगे नहीं। आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, एक करिश्मा 2 टाइम देख के ली थी, एक भैंस आपने मेरे को दिलवाई थी सातौर से, बिल्कुल जी, वो 2 टाइम देख के ली थी, बिल्कुल जी। तो मैं करता हूँ विश्वास, बिल्कुल, बंदे से ज्यादा परमात्मा पे करता हूँ, क्योंकि वो जब सांस ही निकाल लेगा तो बंदा तो जेब से पैसे ही निकाल रहे, इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जी, ठीक है। भाई को इंटरेस्ट हो फोन कर ले, कोई भाई किसी को बात बुरी लगी हो तो क्षमा चाहूंगा, वैसे बुरी बात निकलती नहीं, ठीक है जी। 5-6 महीने से कोशिश है किसानों को कुछ नया करके दिखाएं, अब हजम ना हो तो भी भाई यहाँ तो हलवाई की दुकान है, यहाँ तो मीठा भी बिकेगा करकरा भी बिकेगा, ठीक है, और जैसा भी हो वैसा बिकता है, ठीक है जी, ठीक है। तो सारे भाई जितने देख रहे हैं सभी को राम राम, राम राम जी। तो ये भाई के पास बिक्री के लिए उपलब्ध है जी, और आशा करेंगे आज की जो हमारी ये कवरेज है जी यादव डेयरी फार्म से आप लोगों को जरूर अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो जी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जी। फिर मिलेंगे किसी किसान के घर या फिर व्यापारी वर्ग के भाई के पास, तब तक सभी भाइयों को नमस्कार।